शरद सक्सेना, जी हाँ यही नाम है इनका। ये 80 और 90 के दशक की फिल्मों में अपने तगड़े डिलडोल के साथ फिल्मों में विलन की किरदार निभाते नजर आए और फिल्मों में हीरो के साथ मारपीट करते नजर आए। इन्होंने तकरीबन 370 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। शरद सक्सेना का जन्म 1950 को मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था और जबलपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। फिल्मों में हीरो बनने का सपना लिए ये मुंबई आए। इसी दौरान इन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। सलीम जावेद से दोस्ती होने के कारण इन्हें फिल्म काला पत्थर मिली, जिसमें ये धन्ना के किरदार में दिखाई दिए। फिल्म काला पत्थर के बाद बॉलीवुड में ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गए। उस जमाने में लगभग हर एक फिल्म में मेन विलन के हिंचमैन और फाइटर विलन के किरदार में हमें ये दिखाई दिए, जिसमें मिस्टर इंडिया, विश्वात्मा, त्रिदेव, गजब, बॉक्सर जैसी ढेरों फिल्मों के नाम आते हैं। सन 2000 के बाद विलन से हटके कैरेक्टर रोल ये निभाने लगे, जिसमें तुमको ना भूल पाएंगे, साथिया जैसी फिल्मों के नाम आते हैं और कुछ फिल्मों में ये कॉमेडी भी करते दिखाई दिए, जिसमें हेरा फेरी, भागम भाग, किस किस को प्यार करो जैसी फिल्मों के नाम शामिल है।